के लोकप्रिय चैनल न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा वर्मन। आगे बढ़ने से पहले जानते हैं आज की हेडलाइंस। गिरडी सदर अस्पताल जिले का पहला सरकारी कोविड आईसीयू यूनिट का हुआ शुभारंभ। सदर विधायक ने फीता काट कर किया उद्घाटन। एक साल में दूसरी बार किया गया उद्घाटन। शुक्रवार को मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि। राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण व श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया उन्हें याद। इस दौरान फूड पैकेट, फेस मास्क व सैनिटाइजर का किया गया वितरण। उपायुक्त ने किया स्वास्थ्य केंद्र हल्लाडी का औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। बिशनपुर पचम्बर स्थित अफताब अस्पताल में चलाया जा रहा है वैक्सीनेशन कार्यक्रम। 18 से ऊपर आयु वर्ग वाले को दिया जा रहा है निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन। अब खबरें विस्तार से। गिरडी सदर अस्पताल परिसर में स्थित जिले का पहला सरकारी कोविड आईसीयू वार्ड का उद्घाटन शुक्रवार को यहां गिरडी सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने विधिवत रूप से फीता काट कर किया। गौरतलब हो कि एक साल के दरमियान दूसरी बार इस आईसीयू वार्ड का उद्घाटन किया गया। पिछले साल ही 2020 में इसी कोरोना काल के दौरान इस कोविड सेंटर का उद्घाटन विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने ही किया था। उस वक्त टेक्नीशियन और चिकित्सकों के अभाव में यह शुरू नहीं हो पाया था। वहीं दूसरी बार भी इस कोरोना काल में सदर विधायक प्रभारी सिविल सर्जन डॉक्टर सिद्धार्थ सन्याल के अलावे चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद आजाद, डॉक्टर अमित गोंड, डॉक्टर राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। वैसे इस बार पूरी तैयारी के साथ इस कोविड आईसीयू यूनिट का शुरुआत किया गया है। यहां 3 टेक्नीशियन के साथ एक आईसीयू प्रबंधक और 6 नर्सें मौजूद रहेंगी। आईसीयू में शहर के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर मोहम्मद आजाद के साथ सदर अस्पताल के चिकित्सक सह सर्जन डॉक्टर अमित गौड़, डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर रवि महर्षि भी अपनी सेवा देंगे। आईसीयू यूनिट के उद्घाटन के बाद इसके संचालन की जिम्मेवारी देने की बात कही जा रही है। उद्घाटन के बाद विधायक और सिविल सर्जन उपायुक्त से मिलकर संचालन पर खास चर्चा की, जिसमें आउटसोर्सिंग के माध्यम से आईसीयू यूनिट चलाने का निर्देश दिया गया। फिलहाल अभी किसी एजेंसी का चयन नहीं किया गया है। उद्घाटन के बाद फंक्शन कराने के साथ ही विधायक और डीसी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के गोल्डन कार्ड धारी वैसे लाभुक जिन्हें आईसीयू की जरूरत होगी उनका इलाज निशुल्क होगा, जबकि आयुष्मान भारत योजना से वंचित जरूरतमंद मरीजों के लिए शुल्क 25 मई को अस्पताल प्रबंधन की बैठक में तय किया जाएगा। कहा गया कि कोरोना संक्रमित और सामान्य मरीजों को भी अब जरूरत पड़ने पर आईसीयू वार्ड में भर्ती कर इलाज किया जाएगा। बहुप्रतीक्षित इंटेंसिव केयर यूनिट, इसकी अधिष्ठापना साल भर पूर्व हुई थी, आज गिरिडीह शहरवासियों को अर्पित करते हुए लोकार्पण करते हुए मुझको बड़ी खुशी हो रही है। साल भर पहले हम लोगों ने कोरोना काल में ही इसको शुरू किया था, लेकिन मैन पावर की कमी से हम लोग इसको चालू नहीं कर पाए थे। आप जानते हैं कि मशीनें खरीद कर लगाना एक अलग विषय है, लेकिन उसके लिए ट्रेंड मैन पावर की व्यवस्था कर पाना एक अलग विषय था। तमाम साथियों के, खास करके जिले के जो सिविल सर्जन हैं, यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स या गणमान्य यहाँ के नागरिक हैं, इनके सहयोग से हम लोग अंततः इस काम को धरातल पर उतारने में कामयाब हुए। मुझको बड़ी उम्मीद और बड़ा भरोसा है इस बात का कि बेहतर चिकित्सकीय सुविधाओं के लिए हमारे ज़िले के लोगों को जो बाहर जाना पड़ता था, आज इसके उद्घाटन के बाद हम कम से कम उनको एक बेहतर चिकित्सा सुविधा यहाँ दे पाएंगे और बाहर जा रहे लोगों को ये आश्वस्त कर पाएंगे कि गिरिडीह में भी अच्छी चिकित्सा की व्यवस्था है और उन्हें एक फियरलेस, डर विहीन चिकित्सा का साधन देंगे। कोरोना मरीजों को जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रही है। इसको लेकर गिरिडीह उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा लगातार जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण कर जायजा ले रहे हैं। इसी कड़ी में आज उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री राहुल कुमार सिन्हा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हरलाडी पीटांड का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए की गई सुविधाओं का भी जायजा लिया तथा संबंधित अधिकारियों एवं चिकित्सकों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने अस्पतालों में नॉर्मल बेड,
ऑक्सीजन बेड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर सहित अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। साथ ही स्वास्थ्य केंद्र में पेयजल व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने पीटान प्रखंड में वैक्सीनेशन एवं टेस्टिंग कार्य की जानकारी ली तथा ज्यादा से ज्यादा सुयोग्य श्रेणी के व्यक्तियों को वैक्सीनेशन हेतु जागरूक करने का निर्देश दिया। इसके अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन पाइपलाइन, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर आदि से संबंधित मुख्य बिंदुओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि गंभीर लक्षण वाले संक्रमित मरीजों को तत्काल अस्पताल में एडमिट कर उन्हें ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड्स की उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। हम सभी का दायित्व है कि व्यवस्थाओं को सुदृढ़ कर मरीजों की सुविधा का समुचित ख्याल रखें ताकि किसी भी संक्रमित मरीज को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कहा कि अगले सप्ताह से डोर टू डोर सर्वे कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सर्वे कार्य दो टीमों के द्वारा किया जाएगा। इसे लेकर सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। डोर टू डोर सर्वे कार्य को लेकर सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को बेहतर माइक्रो प्लान तैयार कर संपादित करने का निर्देश दिया गया। उन्होंने बताया कि सर्वे कार्य के दौरान सभी को कोविड प्रोटोकॉल का उचित अनुपालन सुनिश्चित करना अनिवार्य है। उक्त कार्यों को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। सहिया, सेविका, सहायिका, पोषण सखी, सखी मंडल की दीदियों व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने का कार्य जारी है, जहां उन्हें रैपिड एंटीजन टेस्ट हेतु भी प्रशिक्षण दी जाएगी। इस बाबत उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सर्वे टीम में कार्यरत सभी कर्मियों का प्रशिक्षण जल्द से जल्द करा ले ताकि सुनियोजित तरीके से सर्वे का कार्य किया जा सके। शुक्रवार को देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा गिरडी टावर चौक पर एक कार्यक्रम आयोजित कर राजीव गांधी के चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया गया। इस दौरान जरूरतमंदों के बीच फूड पैकेट, फेस मास्क एवं सैनिटाइजर का वितरण किया गया। आज के दिन यह कार्यक्रम जिले के सभी प्रखंडों में किया गया, जिसमें राशन वितरण, मास्क वितरण का कार्यक्रम चलाया गया। मौके पर उपस्थित जिलाध्यक्ष नरेश वर्मा ने कहा कि आज ही के दिन एक महान दूरदर्शी नेता, जिसने भारत को नई दिशा और दशा दी, उनकी हत्या कर दी गई थी। आज पूरा भारत उनकी कमी को महसूस करता है। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सतीश केडिया ने कहा कि आज भारत पूरे विश्व में संचार क्रांति के मामले में शीर्ष पर बैठा है। वह स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी के दूरदर्शी सोच की वजह से है। दूरदर्शन, कंप्यूटर आदि ने भारत में जो मुकाम हासिल किया है, या युवाओं को 18 वर्ष की उम्र से मताधिकार देने का काम हो, या पंचायती राज के माध्यम से सत्ता का विकेंद्रीकरण, यह सब राजीव जी की दूरदर्शी सोच का नतीजा था। जिला उपाध्यक्ष अजय सिन्हा ने कहा कि आधुनिक भारत के निर्माण में राजीव गांधी के योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। उनके कार्य उल्लेखनीय है। इस अवसर पर महमूद अली खान, आलमगीर आलम, मदन विश्वकर्मा, सुलेमान अख्तर, निजाम अंसारी, शेखर सिंह सहित सभी प्रमुख कांग्रेसी उपस्थित थे। आज राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से लोगों को भोजन के पैकेट के वितरण किया गया है, मास्क वितरण किया गया है, सैनिटाइजर किया गया है। इन सारे वस्तुओं को इनके श्रद्धांजलि दिवस के अवसर पर लोगों ने बांटने का काम किया गया है। ये प्रदेश से हम लोगों को निर्देश था। आज इसी तरह से पूरे झारखंड में सभी जिला और प्रखंड मुख्यालय आज हो रहा है। दिल्ली के भी सभी प्रखंडों में यह कार्यक्रम चल रहा है। सेवा भाव से इनके श्रद्धांजलि दिवस पर सेवा भाव का एहसास किया जा रहा है, जो आम लोगों को, जरूरतमंदों को, अरे कोविड में
जो लोगों के पास नहीं व्यवस्था उन लोगों के इस हम लोग देने का काम कर रहे हैं और ये कार्यक्रम आगे राजीव जी के जन्मदिन पुण्यतिथि के अवसर पर जरूरतमंदों को भोजन वितरण, मास्क वितरण और सैनिटाइजर वितरण किया गया है। हम लोगों ने N95 सैनिटाइज मास्क और अच्छे क्वालिटी का सैनिटाइजर का वितरण किया है और जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराया है। आज राजीव जी ये संचार क्रांति के माध्यम से आज पूरा देश, पूरा विश्व में अग्रणी है भारत, और राजीव गांधी की दूरदर्शी नीतियों की वजह से आज जो भारत का स्वरूप दिख रहा है, आधुनिक स्वरूप, वो हमारे राजीव जी की देन है। गरीबों के बीच कांग्रेस पार्टी पिछले वर्ष भी गरीबों के लिए काम करती रही है और इस वर्ष भी जो कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी जिला कांग्रेस कमेटी गरीबों के बीच हर संभव मदद करने का प्रयास कर रही है और राजीव जी की पुण्यतिथि पर हम लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए गरीबों के बीच मास्क, भोजन, सैनिटाइजर वितरण किए हैं और आगे भी कांग्रेस पार्टी इसी तरह का कार्य सेवा करती है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए जिले भर में लगातार कोविड वैक्सीनेशन अभियान चलाया जा रहा है। इस दिशा में अफताब अस्पताल बिशनपुर पचम्बा स्थित अफताब अस्पताल में पिछले 18 मई से ही लगातार वैक्सीनेशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। यहां पर 18 से ऊपर वाले व्यक्तियों को निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन लगाए जाने के लिए सेंटर बनाया गया है। इस संबंध में अस्पताल के सीनियर डॉक्टर डॉक्टर रियाज अहमद ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए सभी को वैक्सीन लगवाना जरूरी है। जिला स्वास्थ्य विभाग की मदद से हमने स्वेच्छा से अपने अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर बनवाया है ताकि हर किसी को वैक्सीन लेने में आसानी हो सके। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने का अभी सिर्फ एक ही उपाय है कि सभी लोग वैक्सीन लगवाएं। कहा कि वैक्सीन सुविधा उपलब्ध कराने में अस्पताल के सभी स्टाफ, विभाग द्वारा नियुक्त सभी पारा मेडिकल स्टाफ के साथ समन्वय बनाकर वैक्सीनेशन कार्यक्रम को बहुत ही अच्छी तरीके से निष्पादित कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल आफ्ताब हॉस्पिटल में सरकार के तरफ से सीएस के आदेश पर हम लोग 18 तारीख से यहां कोविड का वैक्सीन लगा रहे हैं और ये बहुत ही सफल हो रहा है। 100 के वैक्सीन आते हैं, उसमें करीब करीब 90 लोग रोज़ इसमें वैक्सीन ले रहे हैं और इसमें जागरूकता बढ़ाने के लिए इसमें हम अपने गांव में और इधर उधर जो है सब आदमी को बोलते हैं कि आके वैक्सीन लें। रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है और सीएस साहब हम लोग के साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं और उनको बहुत हम लोग मदद कर रहे हैं। ये चार्जेबल है क्या सर? नहीं, ये फ्री है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। ये साहब के तरफ से ये सरकार के सरकारी हॉस्पिटल के इससे ये चार्जेबल नहीं है, इसमें हम लोग पैसा नहीं लेते हैं, एक भी पैसा नहीं लेते हैं। वो अपना स्टाफ भेजे हैं जो वैक्सीनेटर हैं उनको, और बाकी जितने लोग हैं वो सब हमारे हॉस्पिटल के हैं जो कंप्यूटर पर बैठते हैं, ये बैठते हैं उन लोग सब हमारे हॉस्पिटल के हैं। कैसा लगा? आप अपने सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज़लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर को भी फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।